तो फैमिली कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग करने वाले हैं DM DF कार्मिक और जर्नी। थोड़ा सा ज़्यादा लंबा जाएगा ये रीडिंग, लेकिन उससे पहले गाइस मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी ये सेवन चक्रा पिरामिड और बॉन्ड सेवन चक्रा बॉन्डेड पिरामिड, और इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहती थी। तो क्या है गाइस, यहाँ पर हर एक चक्रा का क्रिस्टल आप लोगों को दिखाई देगा। ये बहुत ही अच्छा है अगर आप अपने सेवन चक्रास को बैलेंस करना चाहते हो, तो आप लोग इसके साथ मेडिटेशन कर सकते हो। सबसे बेस्ट वे है इसके साथ मेडिटेशन करना है जिसको अपने सामने रख के मेडिटेशन करना, तो ये आपके एनर्जी को और भी हाइटेंड करेगा। क्योंकि जो मैं आप लोग को ऑलरेडी पिरामिड के बारे में बता चुकी हूँ, तो पिरामिड का बेनिफिट है ये जो एनर्जी है डायरेक्ट यूनिवर्स से खींचता है और पूरा अपने अराउंड एक एनवायरनमेंट बनाता है। तो जब आप लोग मेडिटेशन करना चाहते हो तो ये जो पिरामिड है वो आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और कभी अगर आप लोग को लगे कि यू नो आपको बैलेंस करना है इसको, तो आप अपने फोटो अपने सेवन चक्रास को, तो एक सिंपल सी चीज़ कर सकते हो। आप लोग अपना एक फ़ोटो ले सकते हो और ये जो मैं आपको रेकी चार्ज करके दूंगी ये आप अपने फ़ोटो के ऊपर रख सकते हो और उधर जा कर के आप मेडिटेशन कर सकते हो। इसके लिए कोई रोज़ दिया अगरबत्ती या कुछ जलाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आप लोगों को अगर मेडिटेशन करना है तो बेटर है कि आप उसका माहौल बनाएं। तो अगर आप दिया अगरबत्ती लगा करके मेडिटेशन करते हैं तो एक बहुत अच्छा सा वाइब्रेशन होता है, प्लस जो इसका सेवन चक्रा का पिरामिड जो वाइब्रेशन देगा वो अच्छा होगा। तो आप लोग उसके ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके ये हमेशा अलाइनमेंट में रहो आप, तो ये बेस्ट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग को ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि ये रेकी चार्ज करके मेरी तरफ से ही आप लोगों को मिलेगा। तो गाइज एक और चीज़ आपको करना पड़ेगा जब आप ये पिरामिड रखते हो, कि इसको वीकली आप लोगों को क्लीन करके इसको सन में जो है चार्ज करने के लिए रखना पड़ेगा। यस गाइज ये आप लोगों को करना पड़ेगा अगर आप ये लेते हो तो, और ये बेस्ट बेनिफिशियल है अगर आप इसको अपने फ़ोटो के ऊपर रख देते हो और फिर उधर ही जाकर के मेडिटेशन करते हो। तो चलिए गाइज ये हो गया सेवन चक्रा बॉन्डेड पिरामिड के बारे में। ये आप लोगों को मिल जाएगा गाइज अराउंड 600 रुपीज़। अगर आप इसको लेना चाहते हो तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये आप लोग के लिए रीजनेबल प्राइस रहने वाला है। और गाइज एक और बात मैं आप लोग को बताना चाहती थी, ये जो क्रिस्टल बाज़ार है जो डिस्काउंटेड रेट्स में मैं आप लोगों को क्रिस्टल्स दे रही हूँ, ये सिर्फ इसी अप्रैल के मंथ के लिए रहने वाला है। ये कॉन्सेप्ट मैंने सिर्फ अप्रैल के लिए निकाला है ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या क्या आप लोगों को क्रिस्टल्स में मेरे पास मिल सकता है। इसके बाद सारे रेगुलर प्राइसेस जो मैं चार्ज करती हूँ वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ब्रिसलेट स्टार्टिंग फ्रॉम 800 और वो सब वापस लग जाएगा। तो जो भी ऑफर्स आप लोगों को अप्रैल के मंथ में मिल रहे हैं उसके बेनिफिट्स उठाइए, क्योंकि इसके बाद आप लोगों को ये थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ सकते हैं। तो चलिए गाइज हम इसको मैं यही पॉज करती हूँ और वापस आकर आप लोग के साथ रीडिंग करती हूँ। तो चलिए गाइज हम लोग आज की अपनी रीडिंग पे आ जाते हैं। किसने मुझे रिक्वेस्ट किया था, इंदिरा ने शायद, कि रोज़ मैं एक सॉन्ग दूँ। तो यस मैं गाइज अब से रोज़ आपको एक रीडिंग में सॉन्ग ज़रूर दूंगी। पहले हम शुरुआत करेंगे डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। आज थोड़े से कार्ड्स में चेंजेस रहने वाले, मैं कार्ड्स की अलग कार्ड्स यूज़ करने वाली हूँ रीडिंग्स करने के लिए। तो चलिए पहले डिवाइन मैस्कुलिन के लिए निकाल लेते हैं कुछ कार्ड्स, देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन के साथ क्या हो रहा है करंट एनर्जीज में, क्या है कार्ड है वो, किस करंट सिचुएशंस क्या चल रही है डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। ठीक है गाइज ये अगेन टाइमलेस है, जब आप लोग के लिए एप्लीकेबल होगा तब आप लोग को मिल जाएगी ये रीडिंग। ठीक है गाइज, और ये अगर आपके साथ रेजोनेट करती है गाइज तो ये रीडिंग आपके लिए है, वरना आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं करता तो आप कोई और रीडिंग देख लीजिए, वो आपके साथ रेजोनेट कर जाएगी। तो चलिए गाइज ये मैं डिवाइन फेमिनिन के लिए यूज़ करने वाली हूँ हमारा एनर्जी ओरेकल डेक, और आज देखने वाले हैं कि डिवाइन फेमिनिन की क्या है। वैसे तो जो मुझे पता चल रहा है तो डिवाइन फेमिनिन की हेल्थ पे काफ़ी असर हो रहा है, कुछ कुछ डिवाइन फेमिनिन की हेल्थ भी ख़राब हो रही है ऐसा मुझे पता चल रहा है। बिकॉज वो इसलिए ताकि हम अपने हेल्थ के तरफ कॉन्शियस हो जाए और अपने हेल्थ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे, क्योंकि आज तक हम लोग सिर्फ हमारे पर्सन के हेल्थ को, दूसरों के हेल्थ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस, डिवाइन फेमिनिन दूसरों की केयरिंग एंड नर्चरिंग करती है। तो अभी जो 5th May तक टाइम रहने वाला है और 5th May के बाद वो रहने वाला है कि हम लोग अपनी हेल्थ पे फोकस करें और अपना हेल्थ सुधारें, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये वार्निंग है हम लोग के लिए कि हम लोग
की तबीयत और भी ख़राब हो सकती है, हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं हेल्थ वाइज। सो इट इज़ वेरी मच एडवाइज्ड कि हम लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। अभी गाइस मैं कार्ड निकाल रही हूँ कार्मिक के, देखते हैं कि कार्मिक्स जो भी है अभी गाइस आपके वाइफ मतलब आपके पर्सन की वाइफ है, हस्बैंड है, आपके वाइफ है, हस्बैंड है, आपके मदर है, उनके मदर है, कोई भी हो, पेरेंट्स हो, कोई भी कार्मिक्स हो, अगर ये आप लोग के लिए रेजोनेट कर सकता है। चलिए देखिए गाइस, देखते हैं कार्मिक्स की करंट एनर्जीज क्या चल रही है और कार्मिक्स कहाँ है इस जर्नी में। तो कुछ जैसे आप लोगों को पता है मुझे कार्मिक्स की रीडिंग फेरी टैरो से करनी ज़्यादा बेटर लगती है, तो मैंने ये निकाले कुछ कार्ड्स कार्मिक के लिए। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ गाइस जर्नी के लिए, मैं न्यू आप लोग के लिए न्यू, आप लोग कुछ जो नए हो यहाँ पर उनको न्यू लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल भी न्यू डेक नहीं है, ये रूंस का डेक है और ये मैंने खुद ने डिज़ाइन किया हुआ है इसको। तो ये डेक जो है मैं यूजुअली नहीं यूज़ करती हूँ ज़्यादा, लेकिन आज मुझे लगा कि जर्नी में रूंस के डेक की ज़्यादा ज़रूरत रहने वाली है, तो मैंने इसको निकाला है यूज़ करने के लिए आज के लिए, ताकि हम लोगों को पता चले कि हमारी जर्नी कहाँ। और ये रूंस जो रहते हैं वो काफ़ी रूट रीडिंग्स है, हार्श रीडिंग्स दे सकते हैं, काफ़ी डायरेक्ट रह सकते हैं अपने अप्रोच में। तो रूंस जो है हम लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं रूंस से क्या निकल के आता है। और ये कार्ड्स गाइस बहुत ज़्यादा हैवी है अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो, क्योंकि ये काफ़ी कोटेड कार्ड्स है, प्लास्टिक कोटेड कार्ड्स है, तो काफ़ी हैवी कार्ड्स है। तो चलिए देखिए कार्ड्स इसके लिए भी हो गए हैं। और सॉन्ग जैसे कि आई वॉज रिक्वेस्टेड, तो मैं रोज़ एक सॉन्ग निकालने की कोशिश करूँगी। तो देखते हैं डिवाइन फेमिनिन के लिए एक सॉन्ग फ्रॉम द डिवाइन मैस्कुलिन क्या सॉन्ग देना चाहते हैं वो। ओके, तो एक सॉन्ग निकल चुका है, एक और भी निकल के आना चाहता है, तो मैं दोनों ही ले लूँगी। अभी चलते हैं गाइस डायरेक्टली हमारी रीडिंग की तरफ, काफ़ी टाइम हो चुका है यहाँ पे। तो सब कार्ड साइड में रख देते हैं और डिवाइन फेमिनिन के साथ शुरू करते हैं आज हमारी रीडिंग। आज यस हम डिवाइन फेमिनिन के साथ रीडिंग शुरुआत करने वाले हैं, नॉट फ्रॉम डिवाइन मैस्कुलिन। तो मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है गाइस, डोर टू स्पिरिट, सेक्रल चक्रा। यस, सेक्रल चक्रा हीलिंग, बहुतों को आप लोगों को तकलीफ हो सकती है सेक्रल चक्रा में, बहुत इश्यूज हो सकते हैं, वुमेन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। और आपको ऐसा लग भी सकता है कि बहुत लोगों ने आपके साथ जेलसी की है, बहुत लोगों ने मतलब आपकी खुशियों में प्रॉब्लम्स क्रिएट की है, कि आप लोगों को ऐसा फील हो सकता है। आपको एक लेसन था गाइस यूनिवर्स से कि अपनी जो है बातें सबके साथ ओपनली शेयर मत किया करो, मत दिखाया करो कि आपके पास क्या है, वो आपको ये लेसन सीखने को मिल रहा है। और अब आप समझ भी रहे हो कि ये जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आए हैं इस बिकॉज आप लोगों ने खुले होकर ओपन बुक होकर सबके साथ सब कुछ शेयर किया है। लेकिन गाइज आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो डिवाइन टाइमिंग के लिए आज तक हम वेट करते आए हैं वो डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, और हम लोगों को अब आगे 2022 में मिलने वाला है हमारा कॉर्नकोपिया द बेस्ट टाइम्स टुगेदर। क्योंकि 2022 में बहुतों के लिए यूनियन आने वाला है, बैलेंस आने वाला है, बहुत कुछ अच्छी चीज़ें आने वाली है जो हम लोग आज तक ड्रीम करते आए थे। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म हो गई है, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ से चले गए हैं, तो मुझे ये मैसेज मिल रहा है, तो आपके लिए गुड है वो अगर वो चले गए हैं। तो डिवाइन मैस्कुलिन को भी इंक्लूड करके यस गाइज ये अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि आप लोगों को सेल्फ लव सीखने को मिला, आप लोगों को खुद का डिवाइन टाइमिंग का पेशेंस सीखने को मिला, आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने का मौका मिला। बट डोंट वरी गाइज, ये सब आप लोगों के अच्छे के लिए ही हुआ, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ही हुआ, और जो लोग आपसे आपके लायक नहीं थे उनको आपके लाइफ से वैसे भी निकाला गया। तो चलिए गाइज देखते हैं कि क्या सॉन्ग्स देते हैं आपको डिवाइन मैस्कुलिन। पहला है हमदर्द है, हमदम भी है, तू साथ है तो जिंदगी, तू जो कभी दूर रहे ये हमसे हो जाए अजनबी, तू तुझसे मोहब्बत करते हैं जो कैसे करे हम उसको बया, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। तो मुझे यहाँ पे ऐसा कई कई लग रहा है कि अगर आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से डिसकनेक्ट हो चुके हो तो वो समझ चुके हैं कि भाई आपके बगैर लाइफ अच्छी नहीं है, आप हो तो लाइफ और किस्मत और यूनिवर्स भी उनका साथ देती है, अगर वो आपका साथ छोड़ देते हैं तो यूनिवर्स भी उनका साथ छोड़ देते हैं। एक और चीज़ जो है मुझे दिखाई दे रही है,
आरजू है मैं सपनों की बैठा रहूं तेरी बाहों में, सिर्फ तू मुझे चाहे अब इतना असर हो तेरी आहों में, तू कह दे हंस के तो तोड़ दूं मैं रस्मों को। तो ये जो सॉन्ग है ये है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये मेरा तन मन सब है तेरे लिए, मुझे ये जो गाना है मुझे कहीं ना कहीं याद करा रहा है कि ये पर्सन जो है आपके लिए ड्रीम करते हैं, वो चाहते हैं कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करे, आपके लिए डेडिकेटेड रहे, वो करना चाहते हैं ये, लेकिन अभी भी मतलब वो रेडी मतलब इस चीज़ के लिए हो रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये ईयर एंड होते होते अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें एंड हो गई हैं तो नहीं हुई है, ये मैसेज आने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया कि नहीं ये चीज़ें एंड नहीं हुई है, ये अभी भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, बट सर्कमस्टेंसेस गाइस सही नहीं है इसके लिए, आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके पास है नहीं अभी। और अगेन गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों के लिए आप में से आपका खुला ओपन बुक रह करके सबके साथ सब कुछ शेयर करना ने ही इस प्रॉब्लम को क्रिएट किया है और आपको यूनियन से प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, आपको यूनियन होने नहीं दिया। तो चलिए गाइस मुझे डिवाइन मैस्कुलिन के लिए लग रहा है एट ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा काम में फंसे हुए हैं, डिवाइन मैस्कुलिन बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं फील कर रहे, बिल्कुल भी लव नहीं फील कर रहे, सारे एक ही कार्ड अपराइट है, बाकी सारे कार्ड रिवर्स में, लेकिन वो अच्छी चीज़ है बिकॉज कहीं ना कहीं वो उनके लिए वर्क इज रिलैक्सेशन, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है किस किस डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए काम ही उनका वो डिस्ट्रेस करने का काम ही ऐसा तरीका है जिससे वो अपने आप को लाइफ में सॉर्ट आउट फील करते हैं, जिससे वो मतलब अपने बारे में सोच सकते हैं, अपनी लाइफ किधर जा रही है वो सोच सकते हैं, मतलब काम में ही उनको मतलब बेटर आइडियाज़ आते हैं कि वो अपने लाइफ के साथ क्या कर सकते हैं। तो यही हो रहा है यहाँ पर, काम में ही शायद काम ही उनका हीलिंग प्रोसेस है मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे। तो अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी ऐसे हैं तो दे आर इन हीलिंग प्रोसेस, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो काम में अपने आप को फोकस करके रखने की कोशिश करे इसके वजह से वो अनस्टक हो रहे हैं, मतलब अनब्लॉक्ड हो रहे हैं, निकल रहे हैं इस लो वाइब एनर्जी से, इस मतलब स्टैगनेंसी से, स्टेबिलिटी से, उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने वॉक अवे किया था, बहुत गलत काम किया और उनको वॉक अवे नहीं करना चाहिए था। तो उनका मेरे को लगता है कि काम करना ही एक तरीका है प्रोसेस करने का। तो चलिए गाइस देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि और देखते हैं कि जर्नी में क्या चल रहा है। जर्नी के लिए मैंने निकाले हैं कुछ कार्ड्स और फिर मैं कार्मिक्स को देखूंगी, पहले मैं जर्नी के कार्ड्स देखूंगी। तो चलिए गाइस जर्नी की तरफ आगे बढ़ते हैं। जर्नी में नॉर्थिस नीड नेसेसिटी कंस्ट्रेंट ट्रबल। तो अगर आप लोगों को अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग है ये जर्नी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है ये, सर्वाइवल होना मुश्किल है इस जर्नी में, आप लोगों को डिससेटिस्फैक्शन मिला है, इट्स बिकॉज आपके ब्लॉक्स जो है वो हील हो रहे हैं ये बताया जा रहा है मुझे। अगेन मुझे आप लोगों को मिला है एलिगेस, तो प्रोटेक्शन शील्ड, तो आपको अगर ये सब लोगों से दूर किया जा रहा है, अपने फैमिली से दूर किया जा रहा है, ऐसे लोगों से दूर किया जा रहा है जिन्होंने आपको मतलब जो है तो ये इसीलिए हो रहा है ताकि आपका इमोशनल वेलबींग मतलब जो है प्रोटेक्ट हो सके, ताकि आपका जो अंदर का नेगेटिविटी है वो निकल सके। वार्ड ऑफ ईवल आ रहा है यहाँ पे, तो बहुत सारी नेगेटिविटी जो आपने खुद ने क्रिएट कर दी है, जो मैं यहाँ पे बोल रही थी, वो दूसरों से प्रोटेक्शन की ज़रूरत है आपको, इसके लिए आपको सबसे अलग किया जा रहा है और सबसे अलग किया भी गया ताकि आप लोग अंदर से अपना स्ट्रेंथ जो है इकट्ठा कर सको। नेक्स्ट इज बरकाना आ रहा है मुझे, न्यू बिगिनिंग। तो जर्नी में न्यू बिगिनिंग होने वाली है आप लोगों की, जो है आप लोगों को न्यू जो है लाइफ मिलने वाली है, न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ की फिर से होने वाली है मुझे दिखाई दे रहा है, क्रिएटिविटी आने वाली है आपकी लाइफ में, या अगर आप क्रिएटिविटी प्रैक्टिस करते हो तो न्यू लाइफ आपको मिल सकती है। नेक्स्ट जो है मुझे यहाँ पे मिल रहा है तिवास का कार्ड, ये सक्सेस का कार्ड और जस्टिस का कार्ड। तो ऑब्वियसली आपने जितना भी हार्ड वर्क किया है, कितने भी एक्शंस लिए हैं आज तक, वो आपको कितना भी पेनफुल प्राइस बोल रहा है यहाँ पे, कितनी भी तकलीफें झेलनी पड़ी है लोगों से दूर होके, इतना थ्रेट आपको मिला इस जर्नी में, इतना आप लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा आपने सर्वाइवल के लिए इस जर्नी में, तो वो अभी आपको सक्सेस ज़रूर दिलाएगा। और ये बोल रहे सक्सेस
ऑलवेज कम्स विद अ प्राइस। तो जो भी आपने इतना तकलीफें झेली है तो उसके बाद आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा इस जर्नी पे। तो यही था जर्नी के कार्ड्स। आई होप आप लोग को ये डेक पसंद आया होगा। अगर आप कमेंट में बताएंगे तो मैं इसको रेगुलरली यूज़ करूँगी। चलिए गाइज, अभी जो है मुझे कार्मिक्स के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत बताना था, फिर मैं इस वीडियो को एंड कर देती हूँ। देखती हूँ कि कार्मिक्स का क्या चल रहा है। कार्मिक्स जो है मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ओवर एनालाइज ऑप्शंस, मतलब जो भी है उनके पास वो ऑप्शंस वो एनालाइज करने की कोशिश कर रही है। उनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जो है दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा, और मेरे लिए कौन सा बेस्ट होगा वो कार्मिक्स ये करने की कोशिश कर रही है। फिर फोर ऑफ ऑटम दिखाई दे रहा है मुझे कहीं ना कहीं। जो ये फोटो है यहाँ पे उससे मुझे दिखाई दे रहा है कि कार्मिक्स अपने आपको मिरर में देखने की कोशिश कर रही है। आई होप मैं आप लोगों को ये कार्ड दिखाऊंगी। अपने आपको मिरर में देखने की कोशिश कर रही है और उनका जो सोल है उनको बोल रहा है कि भाई ये क्या है, मतलब ये झूठी जिंदगी देखो, ये दिखा रहे हैं, देख रहे हैं अपने आप को मिरर में। बिल्कुल इनको फील हो रहा है कि मैं अच्छी लाइफ जी रही हूँ, लेकिन उनका जो मिरर में जो उनका सोल है वो उनको देख के बोल रहा है व्हाट रबिश, जो है तुम बिल्कुल भी अच्छी लाइफ नहीं जी रही हो और ये बिल्कुल भी ये नहीं है जो तुम डिजर्व करती हो, यू नो। तो वो भले ही कितना भी दिखा रहा है, वो उनको जो रियलिटी है उनको दिखाई जा रही है लाइफ में। अगेन मिरर, उनके इल्यूजन्स जो है उनको हटाए जा रहे हैं, उनको क्लैरिटी दिखाई जा रही है, उनको आईने में अपनी शक्ल दिखाई जा रही है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसे तुम सोचती हो। अपने आप को फेस करो, अपने रियलिटी को फेस करो। अगेन द एम्प्रेस, वो बिल्कुल भी अपने पावर में नहीं फील कर रही है उसके वजह से, क्योंकि उनको गिराया जा रहा है, उनको दिखाया जा रहा है कि तुम झूठ की जिंदगी जी रही हो। अगेन थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट होता इस रीडिंग में जहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है, अगर थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट होता तो मैं बोलती कि उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन ये अपराइट नहीं है, इसी वजह से मैं बोलूँगी कि वो बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। उसका डर है इनको कि अगर डीएम्स ने छोड़ दिया कहीं ना कहीं, ये कुछ ही लोगों के लिए रेजोनेट करेगा। कुछ कुछ लोगों के कार्मिक्स के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, ओके। और वो वंडर कर रही है कि मेरे को दूसरा ऑप्शन अब रखना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए मैं अकेली रह जाऊंगी अगर ये जो है चले गए डीएम डिवाइन मैस्कुलिन। तो इसके लिए एनालाइजिंग ऑफ ऑप्शंस हो रहा है यहाँ पे। किंग ऑफ ऑटम इन रिवर्स दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, जो है ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है, फुल ऑन पैशनेट अबाउट लाइफ, फुल ऑन मतलब जो बोल सकते हैं कि अपना लाइफ अच्छे से जी रहे हो, फुल ऑन एक्साइटमेंट के साथ अच्छे से अपना काम कर रहे हो लाइफ में, कुछ ड्राइव है, कुछ मोटिव है ज़िंदगी जीने का। लेकिन अगर ये रिवर्स में है तो कह सकते हैं कि कार्मिक को कोई जीने की वजह ही नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पे। नाइन ऑफ स्प्रिंग, अगेन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर हम मीनिंग ऑफ दिस के हिसाब से जाए तो ये मतलब प्रोटेक्टिंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर्स, मीन्स जितना भी उन्होंने काम किया है डिवाइन मैस्कुलिन को अपने पास रखने का उतना काम कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं वो काम। लेकिन जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इज बिल्कुल ही अलग। अगर फोटो के हिसाब से जाए हम, जो मैं हमेशा फ़ोटो के हिसाब से और इंट्यूटिव रीडिंग करती हूँ, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डिवाइन फेमिनिन ढूंढ रही है कोई जंगल में कि मतलब क्या मिसिंग है उनकी लाइफ में। उनको लगता है कि उनकी लाइफ में सब कुछ मिसिंग ही है अब, और वो न्यू लाइफ ढूंढने की कोशिश कर रही है। अगेन किंग ऑफ विंटर इन रिवर्स, तो ये अगर अपराइट होता तो हम बोलते हैं कि वो कोई एक्शन लेंगी इस चीज़ के ऊपर, लेकिन ये इन रिवर्स है। मुझे यहाँ पे अभी उनका कोई एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, वो मतलब कोई एक्शन ले नहीं पा रहे क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनको लाइफ में आगे करना क्या है। बिकॉज उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि उनको डिवाइन मैस्कुलिन के बगैर जीना पड़ेगा, उनको डिवाइन मैस्कुलिन के बगैर अपनी लाइफ बनानी पड़ेगी, उनको अब काम करना पड़ेगा। ऐसी सारी चीज़ें उनके दिमाग में कभी आई नहीं और अब उनको करना पड़ेगा। तो इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा दिमाग लड़ा रही है, प्लान कर रही है, देख रही है ऑप्शन जो क्या कर सकती है इस चीज़ से निकल कर। तो कार्मिक्स जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, बिकॉज शायद उनको पता है कि अभी मूव ऑन करने का टाइम आ गया है, बिकॉज उनको मिरर में दिखाया जा रहा है और
अब वो बैठ के एनालाइज कर रही है कि मैं क्या कर सकती हूँ और मेरे लिए कौन सा ऑप्शन ठीक रहने वाला है। तो आई होप गाइज आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, फिर मिलेंगे गाइज कल, तब तक के लिए बाय बाय।